हे गाइस, बोर्ड्स के पेपर खत्म होने ही वाले हैं। इसके बाद कॉलेज में एडमिशन के प्रोसेसेस स्टार्ट होंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अब आईआईटी जाएंगे, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एनआईटीज जाएंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जो कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अगर आप भी किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो सबसे बड़ा जो डाउट आता है वो ये होता है कि आखिर कौन से कॉलेज में हम एडमिशन लें, कौन सा कॉलेज ऐसा होगा जो कि बेटर होगा, जिससे हमें एक अच्छी प्लेसमेंट 4 साल बाद मिल सके। सो आज मैं लेके आई हूँ ऐसे ही एक प्राइवेट कॉलेज का रिव्यू, विच इज रुंगता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज के 2 ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर, एक रायपुर में है, दूसरा है भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे भिलाई छत्तीसगढ़ में बेस्ड कॉलेज के ब्रांच के बारे में। सो लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ दिस कॉलेज। ये कॉलेज जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में, यानी कि 22 इयर्स ओल्ड कॉलेज है। एरिया की बात करें तो कॉलेज का कैंपस जो है वो 150 एकड़ का है। लोकेशन की बात करें तो जो कॉलेज है वो बेस्ड है भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर। इस कॉलेज का जो हाइएस्ट पैकेज अभी तक गया है दैट इज ऑफ 48 लाख पर एनम। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की। सो जो फीस है बीटेक बीई की इस कॉलेज के अंदर, दैट इज 5.92 लाख, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 लाख फॉर 4 इयर्स। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज रैंकिंग ऑफ अ कॉलेज। अगर इस कॉलेज की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया टुडे ने इस कॉलेज को 27 रैंक दिया था आउट ऑफ 238 कॉलेजेस इन इंडिया इन 2022। सिमिलरली आउटलुक ने इस कॉलेज को 18th रैंक दिया था आउट ऑफ 160 कॉलेजेस इन इंडिया इन 2022। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस कॉलेज को 51 रैंक दिया था आउट ऑफ 216 कॉलेजेस इन इंडिया। इसके अलावा कंपटीशन सक्सेस रिव्यू दैट इज CSR फॉर इंजीनियरिंग ने इस कॉलेज को 24th रैंक दिया था 2022 के अंदर। इस कॉलेज को NAAC ने ए ग्रेड दिया हुआ है विद 3.23 स्कोर, विच इज हाईएस्ट इन छत्तीसगढ़। यानी कि अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी पहली प्रायोरिटी तो यही कॉलेज होनी चाहिए। इवन दिस कॉलेज इज प्लेस्ड इन टॉप 50 कॉलेजेस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन इन ARIIA रैंकिंग विच इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंजीनियरिंग। इवन इस कॉलेज को प्लेस किया गया है इन गोल्ड कैटेगरी बाय AICTE सर्वे फॉर इंजीनियरिंग। सो ये तो रही रैंकिंग की बात। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज में बीटेक की कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द ब्रांचेस अवेलेबल इन दिस कॉलेज। सबसे पहला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस AI एंड मशीन लर्निंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो थोड़ा और बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में, कुछ और डिटेल्स के बारे में जानते हैं। सो इस कॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज रैंक नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन सेंट्रल इंडिया। इस कॉलेज के अंदर 100+ हाईटेक लैब्स हैं। अगर ऑन कैंपस स्टूडेंट की बात करें तो 18,000+ स्टूडेंट्स हैं इस कैंपस के अंदर। एक्सपीरियंस ऑफ कॉलेज इज ऑफ 22 ईयर्स, यानी पुराना कॉलेज है। अगर हम इस कॉलेज की वेबसाइट की माने तो इस कॉलेज के टोटल 20,000+ स्टूडेंट ग्लोबली प्लेस्ड हैं। फैकल्टीज एंड रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो 1200+ फैकल्टीज हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यार इस कॉलेज में पढ़ते हैं, नेपाल वगैरह से भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं। 250+ इंटरनेशनल स्टूडेंट इस कॉलेज के अंदर में पढ़ते हैं। अगर हम गवर्नमेंट से फंडिंग की बात करें फॉर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग तो 5 करोड़ के ऊपर की फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से इस कॉलेज को। अब अगर हम बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज की तो इस कॉलेज में टोटल 16 स्टूडेंट क्लब्स हैं जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, विच इंक्लूड्स टोस्टमास्टर यूएसए के बारे में अगर आप जानते हो तो ये एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब है जो कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को आपके एनहेंस करने में हेल्प करता है। यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो कॉलेज काफी अच्छा है क्योंकि टोटल 16 क्लब्स हैं हर एक को करिकुलर एक्टिविटी के लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कॉलेज के बारे में वो होती है उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, वो होते हैं कि कंपनीज कौन कौन सी उस कॉलेज में आती है। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द कंपनीज जो कि इस कॉलेज के अंदर आती है। सो देख सकते हो कि काफी अच्छे अमाउंट ऑफ कंपनीज जो है उस कॉलेज के अंदर आती है। इस कॉलेज के मेजर रिक्रूट्स के अंदर काफी सारी MNCs भी आती हैं। इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज एज आई सेड 48 LPA का रह चुका है, विच इज वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, जो कि होता है उन स्टूडेंट के लिए जिनकी 6 लाख से कम एनुअल इनकम होती है। इसके बाद सेकेंड जो स्कॉलरशिप है दैट इज सक्षम स्कॉलरशिप, जो कि PWD कैंडिडेट्स को मिलता है। थर्ड नंबर पे आता है प्रगति स्कॉलरशिप, विच इज फॉर द गर्ल कैंडिडेट्स। इसके बाद कमला देवी मेमोरियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है इस कॉलेज के अंदर। जब हम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आती है वो होता है स्टार्टअप इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन का माहौल उस कॉलेज के अंदर। इस कॉलेज के अंदर रूबी नाम का, विच इज रुंगता बिजनेस इंक्यूबेटर नाम का एक ऑन कैंपस इंक्यूबेटर है, विच इज अप्रूव्ड बाय स्टार्टअप इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल MHRD।
ये स्टूडेंट्स को स्टार्टअप्स में हेल्प करता है, प्लस इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन को प्रमोट करने का काम करता है कैंपस के अंदर। प्लस ये कॉलेज सेंट्रल इंडिया का इकलौता ऐसा कॉलेज है जिसके पास खुद का पेटेंट है इंजीनियरिंग के अंदर। यानी कि टेक्नोलॉजी की बात करें, इनोवेशन की बात करें, तो ये कॉलेज काफी अच्छा माना जा सकता है। सो आप बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन इन दिस कॉलेज। सो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेंस का पेपर देना पड़ेगा, प्लस ट्वेल्थ में आपकी 45% के ऊपर मार्क्स आए हुए होने चाहिए। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से देखें तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है। इस कॉलेज का प्लेसमेंट काफी अच्छा रह चुका है, को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कॉलेज काफी अच्छा है। प्लस इस कॉलेज में इनोवेशन इंक्यूबेशन का भी काफी अच्छा माहौल है, क्योंकि हमने जैसे कहा कि सेंट्रल इंडिया के अंदर पेटेंट रखने वाला इकलौता कॉलेज है ये। सो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई वो जाकर के आप इस कॉलेज की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, प्लस आप जाकर के इंटरनेट पे भी इस कॉलेज के बारे में सर्च कर सकते हो। कुल मिला के यार कॉलेज अच्छा है। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो और छत्तीसगढ़ के ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप प्लीज इस कॉलेज को कंसिडर करें। प्लस अगर आप किसी और स्टेट से भी हो और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस कॉलेज को जरूर कंसीडर करें। प्लस अगर आप बिहार स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपके लिए मैं बता दूं कि इस कॉलेज के अंदर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल है, उसके थ्रू भी आप यहां पे एडमिशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार इस कॉलेज की एडमिशन फॉर्म दी हुई है, गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच।